हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाहजेब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज हम आ चुके हैं पाइल फाउंडेशन की साइट पर। आज हम देखेंगे कि पाइल फाउंडेशन कैसे की जाती है, इसका क्या प्रोसीजर है और क्या क्या इसमें चीज़ों को टेस्टिंग की जाती है, उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपकी एक मशीन लगी हुई है और ये इस तरीके से एक बोरिंग मशीन की तरह ये आपकी मशीन है, लेकिन इसका जो एक्चुअल काम है वो चेक करना है कि आपका जो स्टोन है, जो आपका पत्थर है, वो किस लेवल पर जाकर आपको मिलेगा। वहाँ पर आपकी जो पाइल है, दो तरीके की पाइल्स होती हैं, जैसे कि आपकी एंड बियरिंग पाइल होती है और आपकी फ्रिक्शन पाइल होती है। तो फ्रिक्शन पाइल आपकी हार्ड स्टार्टअप है, जो आपकी एंड बियरिंग पाइल है वो आपकी हार्ड स्टार्टअप पर रेस्ट करती है और आपकी जो फ्रिक्शन पाइल है वो इन द डेप्थ ऑफ द फ्रिक्शन आपकी लोड पर ट्रांसफर कर रही है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चेक करना रहेगा, पाइल का टेस्ट किया जा रहा है कि आपका कहाँ पर जाके आपको स्पॉन मिलेगा, किस लेवल पर जाके। तो ये सबसे पहले आपका इस मशीन से चेक किया जाता है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका पाइल किस तरीके से की जाती है। तो जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये आपकी इतनी बड़ी जो है मशीन खड़ा हुई है और ये जो आपकी मशीन है यही आपकी पाइलिंग रिग वाली मशीन है, इसको हम मैट मशीन भी बोलते हैं। और इसी मशीन के थ्रू आपकी जो है पाइल फाउंडेशन की जाती है, आपका बोर किया जाता है। और जैसे कि आप यहाँ पर आके देखेंगे, इसमें ये आपकी एक बकेट है, तो जिस भी डाया की आपकी पाइल होगी, अलग अलग डाया की पाइल होती है, बहुत सारे अलग अलग डाया होते हैं आपके पाइल के। जैसे कि आपका माइनर ब्रिज बन रहा है, आपका मेजर ब्रिज बन रहा है, तो आपका 1000 डाया की पाइल हो सकती है, 1200 हो सकती है, आपकी 1500 mm डाया की आपकी पाइल हो सकती है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आपकी एक बकेट है, जो इसमें आप आके देखेंगे यहाँ पर, ये आपकी एक बकेट है और ये आपकी जिस डाया की यहाँ पर पाइल हो रही है तो उस डाया की आपकी बकेट सेट कर दी जाती है। ये इसका मशीन का एक टूल है, इसको यहाँ से स्पिन के थ्रू निकाल दिया जाता है और यहाँ पर आप जिस डाया की पाइल कर रहे हैं उस डाया की बकेट को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसमें एक आपको सेंटर पॉइंट दे रखा होता है और आपका जो लैंड सर्वेयर है, जो आपको पाइल का सर्वे करके देगा कि कहाँ पर आपकी पाइल प्लेस हो रही है, उस पॉइंट को इस बकेट के सेंटर से हम मिला करके बोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी मशीन है और ये आपकी जो मशीन है, ये आपका लगभग 50 मीटर कैपेसिटी तक आपकी पाइल फाउंडेशन कर सकती है, इसको हम पाइलिंग रेक बोलते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर बोर करते टाइम हमारे लेवल, हमारे ग्राउंड लेवल पे या ग्राउंड लेवल से नीचे कहीं पर डेप्थ में अगर कोई स्टोन आ जाता है, कोई पत्थर आ जाता है, तो उसको हम किस तरीके से काटेंगे, क्योंकि हमें जो डेप्थ दे रखी है उस डेप्थ तक तो हमें बोर करना ही पड़ेगा। तो फिर आपका कोई भी स्टोन आता है, आपका कोई भी हार्ड स्ट्रेटा आ जाता है, तो उसको हम इस ऑगर के थ्रू यहाँ पर कट करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका ऑगर है, तो इसके थ्रू हम इसको पत्थर को, किसी भी कोई भी हमारा पत्थर है, कोई भी हार्ड स्ट्रेटा है, उसको हम इस ऑगर के थ्रू कट कर देते हैं। चलिए इसके बाद हम दूसरी प्रोसेस की बात करते हैं। देख पा रहे हैं ये आपकी होलो केसिंग है, ये आपकी इस तरीके से ये लाइनर है, ग्राउंड लेवल पर ये फिक्स कर दिया जाता है। ये आपका रोप वायर है, ठीक है, ये आपके इस रोप वायर के थ्रू ये आपका हैंग किया जाता है और इस मशीन के थ्रू या फिर क्रेन के थ्रू आपकी ये जो केसिंग है इसको ग्राउंड लेवल पर आपके लगा दिया जाता है, ताकि आपका बोर जो है ऊपर से कोलैप्स ना हो। तो ये आपकी होलो रहती है। इसके लगाने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पर बेंटोनाइट या फिर पॉलीमर सिलरी हम बोर में डालना स्टार्ट करते हैं, ताकि जब हम डेप्थ में बोर करेंगे मशीन के थ्रू, तो वाइब्रेशन के थ्रू अंदर डेप्थ में आपका जो बोर है वो कोलैप्स ना हो। तो ग्राउंड लेवल पर तो हमने केसिंग को लगा दिया बोर कोलैप्स रोकने के लिए, लेकिन आपका डेप्थ में बोर कोलैप्स ना हो, उसके लिए हम बेंटोनाइट पंप से बेंटोनाइट सिलरी या फिर पॉलीमर सिलरी हम यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं उसके बारे में आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका बेंटोनाइट टैंक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें हमारे टैंक में पानी भरा रहता है, इसमें हम पानी भरने के बाद हम इसमें बेंटोनाइट पाउडर की फॉर्म में रहता है आपका, या फिर पॉलीमर है वो पाउडर की फॉर्म में रहेगा, तो जिस चीज़ की भी अवेलेबिलिटी है उसको हम इसमें मिक्स करते रहते हैं और इसकी विस्कोसिटी की लिमिट जो है वो सेट कर दी जाती है। लेकिन उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि कैसे आपकी विस्कोसिटी सेट करनी है। आपकी जो पॉलीमर की विस्कोसिटी है वो लगभग 65 S के आसपास रहती है। इसको हम अगर विस्कोसिटी को बढ़ाते हैं, अगर हम पॉलीमर की या फिर बेंटोनाइट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा करते हैं, हम ज़्यादा मिक्सिंग करते हैं वाटर में, तो ये फिर आपकी पाइल के लिए नुकसानदायक हो जाती है। आपकी जो बॉन्डिंग है कंक्रीट की और स्टील बार्स की, उस पर इफेक्ट करती है। तो इसलिए ध्यान में रख करके इसकी विस्कोसिटी को एक लिमिट तक सेट कर दिया जाता है। तो ये यहाँ पर आप पंप देख पा रहे हैं, इस पंप के थ्रू हम लोग बोर में इस पानी को, जो आपका सिलरी है, इस जो आपकी बेंटोनाइट या फिर पॉलीमर की जो भी सिलरी है, हम उसको बोर में डालना स्टार्ट कर देते हैं एक पंप के थ्रू, और फिर हम दोबारा से बोर करना स्टार्ट कर देते हैं इस मशीन के थ्रू। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कैलकुलेशन भी करनी रहती हैं। जैसे कि आप लाइनर लगाएंगे तो एक आपको रिड्यूस लेवल दे रखा होता है, उस रिड्यूस लेवल के थ्रू आपको केसिंग
टॉप लेवल निकालना पड़ता है, आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लेनी पड़ेगी, इसके बाद आपको फाउंडेशन लेवल निकालना पड़ेगा, आपको एक्चुअल बोर्ड डेप्थ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो बहुत सारा कैलकुलेशन रहता है, तो उसके बारे में भी हम आपको एक किसी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम इसके बाद दूसरी प्रोसेस बताते हैं आपको। जब हमारा बोर कंप्लीट हो जाएगा, जब हमारा बोर कंप्लीट हो जाता है, एक्चुअल बोर डेप्थ से हमने वहाँ तक के उसका बोर को कंप्लीट कर दिया, तो इसके बाद जब हमारा बोर कंप्लीट हो जाता है, जब हमने एक्चुअल बोर डेप्थ तक उसको हमने बोर कर दिया, बोरिंग कंप्लीट होने के बाद, फिर हम उसमें स्टील को शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो स्टील है वो बोर में आपकी इस केज के फॉर्म में जाती है। ये आपका केज है, ये आपका पहले से स्टील यार्ड पे आपका प्रिपेयर कर लिया जाता है इस तरीके से। ये आपके जब भी आपकी पाइल फाउंडेशन हो रही है तो वहाँ पर आपका इस तरीके का केज उसमें बोर में जाएगा, जो आपने बोर कर रखा है उस बोर में ये आपका स्टील का केज जाएगा। ये आपका राउंड शेप में, और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने इसमें एक ये राउंड रिंग लगा रखी है, अभी इसका कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें एक हेलिकल रिंग लगाई जाती है, और इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमने इसमें एक कवर ब्लॉक लगा रखे हैं इस तरीके से। तो पाइल फाउंडेशन में भी आपके कवर ब्लॉक्स लगाए जाती है, क्लियर कवर के लिए हम जगह छोड़ते हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से ये आपके केज हैं, ये सारे केज आपके रखे हुए हैं, ये पहले से आपके प्रिपेयर कर लिए जाते हैं, और ये केज जो है सिंगल केज नहीं जाता है कभी भी पाइल में, आपका दो केज या फिर तीन केज आपको वेल्ड करके हम बोर में डालते हैं, क्योंकि अगर आप सिंगल केज डालेंगे, मान लीजिए आपकी 30 मीटर की पाइल है, तो 30 मीटर आप उसको हैंग करके नहीं रख सकते, इसलिए इसको दो तीन पार्ट में आपके केज को डाला जाता है, इसको वेल्ड कर दिया जाता है अच्छे से। तो इसको क्रेन के थ्रू उठाया जाता है यहाँ से, और फिर इसको बोर में शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद इसमें कॉन्क्रीट की जाती है, लेकिन कॉन्क्रीट हम डायरेक्टली बोर में नहीं डालते हैं, हम क्या करते हैं वहाँ पर, हम ट्रीमी पाइप के थ्रू कॉन्क्रीट करते हैं, क्योंकि अगर आपका 30 मीटर का बोर है, आप डायरेक्टली उसमें कॉन्क्रीट फॉल करेंगे तो वहाँ से क्या होगा, आपकी वो स्लम टेस्ट में फेल हो जाएगी, आपके जो पार्टिकल्स हैं उनका सेग्रीगेशन हो जाएगा, तो इसलिए ट्रीमी पाइप के थ्रू आपके बोर में कॉन्क्रीट की जाती है। चलिए मैं आपको ट्रीमी पाइप के बारे में बताता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपके बहुत सारे पाइप हैं, ये सारे आपके ट्रीमी पाइप हैं, इन ट्रीमी पाइप के थ्रू इस बोर में कॉन्क्रीट को कास्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली ग्राउंड लेवल से अगर हम कंक्रीट को वहाँ पर फॉल करेंगे बोर में, तो आपका जो पार्टिकल्स है उनका सेग्रीगेशन हो जाएगा, वो आपके स्लंप टेस्ट में फेल हो जाएगी, तो इसलिए इन ट्रीमी पाइप्स के थ्रू आपके कंक्रीट को कास्ट किया जाता है। ये आपका कौन टाइप है, ये आपके ट्रीमी पाइप में यहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से, ये इसमें चूड़ी बनी हुई है, ये तो इसके थ्रू ये ट्रीमी पाइप्स में आपकी सेट कर दी जाती है। यहाँ पर आपके जो पाइप हैं वो छोटे छोटे आपके पीसेस में है, तो आपका ऐसा भी नहीं है कि ट्रीमी पाइप पूरा एक आपका जितनी डेप्थ है पाइल की उतना आपका एक ट्रीमी पाइप हो, नहीं, इसको हम अलग अलग पार्ट में जैसे जैसे हम कंक्रीट कास्ट करते जाएंगे इन पाइप्स को हम एक एक करके कम करते जाएंगे, जैसे जैसे हम ग्राउंड लेवल की तरफ आते रहेंगे एक एक करके हम इसको कम करते जाएंगे, और इस फॉर्म में हम इसको कॉन्क्रीट को कास्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आपकी बकेट रहती है इस तरीके से, अलग अलग डाया की बकेट रहती है, मैं आपको बता रहा था कि पिन के थ्रू हम इसको चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर ये आपकी इस तरीके की बकेट है, ये बहुत ज़्यादा हैवी रहती है, इसका वेट जो है बहुत ज़्यादा है, तो ये मशीन के थ्रू हम इसको उठाते हैं। और ये आपकी जो पाइलिंग रिग है उसका खुद का फीचर है कि ये आपको खुद से फिक्स कर लेगी, वो बस हम यहाँ पर इसको पिन के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं इस बकेट को, तो इस बकेट से हमारा बोर किया जाता है, और कुछ कुछ टाइम पर इसकी जो बकेट की शार्पनेस है वो कम हो जाती है, तो उसको फिर से हमें यहाँ पर शार्प करना पड़ता है, तो इसकी जो है मेंटेनेंस, इसकी सर्विस होती है बकेट की, इसको हम टाइम टू टाइम हम इसको करते रहते हैं, अगर इसको हम सर्विस नहीं करेंगे तो फिर आपका बोर नहीं हो पाएगा इसके थ्रू, क्योंकि इसकी शार्पनेस जो है ब्लेड्स की वो कम हो जाती है, नहीं तो इसमें आपके ब्लेड्स रहते हैं। तो इस तरीके से ये सारा आपका पाइल फाउंडेशन का प्रोसीजर है। इसके बाद जब आपकी पाइल कास्ट हो जाती है ग्राउंड लेवल पर तक, जब हम पाइल को कास्ट कर देते हैं, फिर जब आपका पियर बनेगा, जब भी आपका ब्रिज का जो पियर है उसको जब हम बनाएंगे, तो जितनी भी आपने पाइल कर रखी है ग्रुप में, जो आपका पाइल कैप है, तो फिर आपकी पाइलिंग की चिपिंग की जाती है, फिर आपका पाइल कैप बन के उस पर आपका पियर जो है रेस्ट करता है। तो कभी भी आप ब्रिज में देखेंगे या फिर आपका कोई भी फ्लाईओवर है, जो आपके पियर्स रहते हैं वो कभी भी सिंगल पाइल पर रेस्ट नहीं करता है, ना ही वहाँ पर कोई और फाउंडेशन होगी आपकी, आप सोचें वहाँ पर फुटिंग होगी या फिर आपकी राफ्ट फाउंडेशन होगी, आपके पियर के लिए सिर्फ मैंडेटरी है, आपका कंपलसरी है कि आपके वहाँ पर पाइल फाउंडेशन होगी, और कभी भी पियर सिंगल पाइल पर रेस्ट नहीं करता है, वहाँ एक ग्रुप ऑफ पाइल होगा आपका, जिस हिसाब से लोड है, आपका माइनर ब्रिज है या फिर मेजर ब्रिज है, तो आपकी आठ पाइल हो सकती है, 10 पाइल का ग्रुप हो सकता है, 12 पाइल का ग्रुप हो सकता है, तो आपके पाइल के ग्रुप रहते हैं, उस पर आपका पियर जो है वो रेस्ट कर रहा है।
तो एक पाइल कैपर वीडियो हम लोगों ने बना रखी है, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी पाइल फाउंडेशन में पाइल कैप का जो है कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कैसे उसमें बार्स लगाई जाती हैं, तो ये सारा आपने देखा। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फेलो सिविल इंजीनियर्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे रियल फोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।